तो फ्रेंड्स, इस मशीन का जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर का जो बियरिंग है ना, इस बियरिंग का नंबर है 608। इस 608 नंबर बियरिंग ख़राब हो गया है और हम लोग इस बियरिंग को रिपेयर कर रहे हैं। तो इस बियरिंग रिपेयर करने के लिए इसका अंदर हम लोग हवा घुस दे रहे हैं और हवा दे के इसका अंदर जो इसका अंदर मैला है उसको बाहर निकल रहे हैं। और निकलने के बाद हम लोग इसका थोड़ा सा ग्रीस कर दे रहे हैं क्योंकि ये जो मशीन बियरिंग है ये घूम नहीं रहा था। तो हमारा पास जो रैंडम मशीन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और मशीन गर्म हो रहा था, इसलिए हम लोग इस बियरिंग को रिपेयर कर रहे हैं। तो इस मशीन का फुल बॉडी हम लोग खोला था क्योंकि आर्मेचर बाहर लाने के लिए पूरा बॉडी खुलना पड़ा था। और इसका जो आर्मेचर कॉयल है आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग फिटिंग करेंगे। तो आर्मेचर कॉयल को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इसलिए आर्मेचर कॉयल भी हम लोग बाहर निकाला था। ठीक है, तो अभी हम लोग आर्मेचर कॉयल को अंदर दे रहे हैं। तो अभी हाँ, इस आर्मेचर रैंडम मशीन फुल फिटिंग होगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो के देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से दिखाया है कैसे रैंडम मशीन फिटिंग हो रहा करता है। और जो लोग घर और अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आप लोग सभी समझ पाएंगे कि मशीन रिपेयर करना बहुत आसान है। और आप लोगों को अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो दुकान पे बस शॉप पे ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम रैंडम मशीन का अंदर जो आर्मेचर कॉयल दिया था, तो आर्मेचर कॉयल का जो स्क्रू वगैरह है उसको हम टाइट कर रहे हैं प्लाईवुड से ही। तो इस स्क्रू को हम लोग अच्छे से टाइट कर रहा है क्योंकि वो आर्मेचर कॉयल मेन है। ठीक है, उसका अंदर जो आर्मेचर जाएगा तो उसको अच्छे से टाइट करना होगा। और ये जो वायर हम लोग का ठीक कर रहे हैं वो आर्मेचर कॉयल का वायर है। तो अभी आप लोग देखिए आर्मेचर को हम अच्छे से फिटिंग कर रहे हैं। जो लोग नया हुए देख के काम करेंगे तो वो अच्छे से थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इसका अंदर आर्मेचर जब हम दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा क्योंकि अब अगर आप लोग नया हो मेरा वीडियो देख के आप लोग काम देख के काम कर रहे हैं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं क्योंकि उसका अंदर जो ब्लेड है अगर आप लोग अच्छे से नहीं फिटिंग करोगे तो ब्लेड जब घूमेगा तो मशीन का जो बॉडी है ना बॉडी टूट जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बॉडी टूट जाने का आवश्यकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ये काम करना। तो अभी हम इसका जो राउंड चार गाला का जो स्क्रू है आर्मेचर का वो फिटिंग कर दिया है अच्छे से। तो ये बॉडी है, बॉडी का पत्ती है, बॉडी का पत्ती हम लोग स्क्रू से फिटिंग कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और कमेंट करके बताना क्योंकि अगर आप लोग का कमेंट करके बताओगे तो मेरा नया नया वीडियो लाने से बहुत एक्साइटमेंट हो जाता हूँ मैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। तो अभी हम इसका अंदर जो इसका इस मशीन का जो कार्बन है, कार्बन के बगैर ये मशीन नहीं चलता है। तो इस कार्बन को हम फिटिंग कर रहे हैं। इस मशीन मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं फुल मशीन फिटिंग कर रहा हूं। तो
इस वीडियो के अंदर पूरा मशीन फिटिंग करना आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मैं आर्मेचर फिटिंग किया है, बॉडी का कॉयल फिटिंग किया है, और जो कॉयल ये कार्बन है सब कुछ मैं फिटिंग कर रहा हूँ। और थोड़ा सा काम बाकी है वो हैंडल के अंदर जो स्विच है, स्विच का काम बाकी है। ये मैं एक अलग पार्ट के अंदर आप लोगों को दिखा देंगे कि स्विच का काम अच्छे कैसे करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना तक, मैं आप लोगों को लिए एक नया वीडियो फिर भी लाऊंगे इसी डंडा मशीन के अंदर जो स्विच का काम होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा एवरीवन।